सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज की वीडियो में भाई हम लोग बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस करने वाले हैं, CSET पार्ट वन, ठीक है। चैप्टर 6 होगा ये बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो जितने भी भाई मेरे हैं कि डेस्परेटली वेट कर रहे कि सर बिजनेस कम्युनिकेशन जो है ना सर वो अपडेट कर दीजिए सर, वो अपलोड कर दीजिए सर वीडियोज़, तो उन भाइयों के लिए मेरा प्यार, ठीक है। अपन जो स्टार्ट करने वाले आज पूरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, तो एक एक टॉपिक एकदम निचोड़ के हम लोग पी जाएंगे, ओके। कोई टेंशन नहीं है, आपको बस देखना है आराम से बैठ के, सारा जो कंसेप्ट है आपके अंदर समा जाएगा, ध्यान से देखो सिर्फ, ठीक है। लेट्स गो इनटू इट, ओके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे द एसेंशियल्स ऑफ ए गुड बिजनेस लेटर। अभी ये टॉपिक का नाम क्या है पहले ये बताओ, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, राइट। तो कैसे हम लोग बातचीत करते हैं, ओके, कैसे हम लोग बिजनेस का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे हम लोग कर सकते हैं अच्छे तरीके से, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले जो आता है ना दिमाग में कि यार बिजनेस में कम्युनिकेशन का विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट वे, इफ़ यू आस्क आर सेल्फ दैट विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट वे ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अर्लीस्ट मतलब पहला कब हम लोग जब बिजनेस में हम लोग किसी दूसरे पार्टी के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो पहला कौन सा वो मीडियम है, डिवाइस है, या फिर हाँ मीडियम कह सकते हैं हम, जहाँ से हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। तो ऑब्वियसली थ्रू लेटर्स, राइट, ऑब्वियसली थ्रू लेटर्स हम लोग एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को लेटर लिखते हैं, है कि नहीं। तो जो भी बच्चे सोच रहे कि सर व्हाट्सएप कर देंगे क्या दिक्कत है, बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन जो होता है ना वो थोड़ा लीगल फॉर्मेलिटी को ध्यान में रखते हुए होता है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है लेटर। अभी कोई भी बिजनेस लेटर अगर हम लोग लिख रहे हैं ना तो उसमें हमेशा याद रखना ये सारी चीज़ जो है ना, ये सारी चीज़ जो यहाँ पे मेंशन है वो सारा होना चाहिए टू बी कॉल्ड एज अ गुड बिजनेस लेटर। अगर ये सारा चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते कि इट इज़ अ गुड बिजनेस लेटर। अभी यहाँ पे 1 से लेकर 13 तक जितना है नेसेसरी नहीं है कि जितना यहाँ पे दिया है सब मैंशन होना चाहिए तुम्हारे बिजनेस लेटर में, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है क्योंकि हर बिजनेस लेटर पे हर कुछ मैंशन नहीं होता। दिस इज़ जस्ट अ फॉर्मेट कि एक बिजनेस लेटर में क्या क्या हो सकता है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम ज़रूर हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कम क्या हो सकता है, क्या हम लोग कौन सा वाला हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। लेकिन पहले एक बार 1 से लेकर 13 तक मैं एक बार आपको पढ़ा देता हूँ क्या है चीज़ लेटर हेड्स, ठीक है। लेटर हेड्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे लेटर हेड अच्छे से दिया हुआ है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ लेटर हेड, ठीक है, ये वाला पोर्शन लेटर हेड है। सर लेटर हेड में रहता क्या है, लेटर हेड में कंपनी का लोगो रहता है, कंपनी का नाम रहता है, ठीक है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है वो लिखा होता है, ठीक है, और बिजनेस का तुम्हारा फैक्स, ठीक है, उसके बाद कह लो ईमेल्स, बहुत कुछ, फ़ोन नंबर्स, ठीक है, सारा जो डिटेल है ना तुम्हारे बिजनेस का कि तुम्हारा बिजनेस कहाँ पर है, क्या है, नहीं है, सब ऊपर में जो है ना दिया होता है, समझ में आ रहा है ना, ये होता है आपका लेटर हेड। और बंदे जो है ना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं लेटर हेड में, पैसा और टाइम दोनों, क्योंकि लेटर हेड ऐसा डिज़ाइन करते वो लोग प्रोफेशनल लोगों से कि यार भाई मतलब बढ़िया होना चाहिए लेटर हेड, सो दैट अगर मैं लेटर किसी और पार्टी को भेजूं तो बेटा सबसे पहला जो इम्प्रेशन होगा ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, वी ऑल नो दैट, राइट। सो सबसे पहला इम्प्रेशन जो होगा ना वो होगा भाई मेरा लेटर हेड, जब देखेगा बंदा मेरा लेटर हेड बोलेगा कि यार ये बढ़िया मेरे को अच्छा लग रहा है, नीचे में तुम गाली लिख दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन लेटर हेड देख के बोलेगा कि यार इसका कोई स्टैंडर्ड है, समझ में आ रहा ना, इसका कुछ एक है, ठीक है, स्टैंडर्ड है, सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो लेटर हेड हमेशा क्या होना चाहिए, आई कैची होना चाहिए, आई कैची, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए बंदे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इसके ऊपर, तो हम विस्तार से ये लोग देखने वाले ये सारी चीज़, टेंशन मत लो। रेफरेंस नंबर है, डेट है, रेफरेंस नंबर क्या होता है, कभी कभार यहाँ पे जो है ना रेफरेंस नंबर लिखा होता है यहाँ पे डेट के ऊपर रेफरेंस नंबर, मतलब सो दैट हम लोग फ्यूचर में अगर कभी लेटर को निकाले तो हम लोग रेफ़र कर पाए कि किसने भेजा था, क्या भेजा था, कहाँ से, कौन से ऑफिस से भेजा था, कौन सा नंबर है, ये वाला हम लोग रेफरेंस नंबर के लिए दे सकते हैं। तो इग्नोरेबल है, हर लेटर में रेफरेंस नंबर नहीं होता है ना, हर लेटर में बिजनेस लेटर में रेफरेंस नंबर नहीं होता, लेकिन एक गुड बिजनेस लेटर में होना चाहिए। ये भी तो एक बिजनेस लेटर है लेकिन रेफरेंस नंबर कहाँ है इसमें, नहीं है ना, तो वही बात है। डेट तो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते ना, कोई भी लेटर लिख लो आप, अगर आप कोई भी लेटर अपने गर्लफ्रेंड को भी लिख रहे हो ना तो डेट मेंशन करो कि हाँ उस दिन मैंने कुछ लिखा है और एक साल बाद उसने रिप्लाई दिया है, ठीक है, वो वाला एक सीन होता है ना।
तो डेट याद रख पाओगे। तो पहला पहला जो बंदे होते हैं ना कि मतलब बहुत डीप वाला, मतलब सोचते कि यार ये ही मेरा पहला मतलब प्यार है, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब पूरा अपने डायरी में ना डेट वोट पूरा मेंशन करके रखते हैं कि यार मैंने आज ये किया, मैंने आज प्रिया को जो है ना ये लिखा है। तो डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी लेटर लिख लो तुम, तो डेट तो बिजनेस लेटर में ऑब्वियसली होने वाला है, राइट। स्पेशल मार्किंग्स इग्नोरेबल है, क्योंकि इग्नोरेबल क्यों है स्पेशल मार्किंग्स, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है कि स्पेशल मार्किंग्स में लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल, ओके, तो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि हाँ भाई इसमें इंपॉर्टेंट सामान है। तो जो बंदा हैंडल कर रहा है ना इस लेटर को, जो जो हैंडलर है इस लेटर का, बिजनेस लेटर का, जो यहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचा रहा है, ठीक है, तो यू विल टेक दैट लेटर विथ केयर, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए वहाँ पे लिखा होता है स्पेशल मार्किंग्स कभी कभार दिया होता है, ओके। एंड देन इनसाइड एड्रेस, इनसाइड एड्रेस इज ऑलमोस्ट दिस, ये वाला सीन होता है। इनसाइड एड्रेस देखो इधर पे राइट साइड में, हाँ ये वाला होता है इनसाइड एड्रेस। इसका मतलब क्या होता है कि जिस बंदे को तुम भेज रहे हो, द रिसिपियंट, ओके, द रिसिपियंट हु इज गोइंग टू रिसीव योर लेटर, बिजनेस लेटर, उसका पूरा एड्रेस, उसका ऑफिस कहाँ पर है, नहीं है, सब जगह पूरा एकदम लिख के रखना है, ठीक है, कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है, क्या है, नहीं है, सब कुछ इनसाइड एड्रेस, ठीक है। अटेंशन लाइन, अटेंशन लाइन कभी कभार क्या होता है कि मैं बताता हूँ आपको, अटेंशन लाइन क्या होता है, अटेंशन लाइन भी इग्नोरेबल है, ठीक है। जैसे कि ये अटेंशन लाइन, स्पेशल मार्किंग, रेफरेंस नंबर, ये इग्नोरेबल है, ठीक है, हमेशा नहीं रहता लेटर में। अटेंशन लाइन क्या होता है, कभी कभार अगर आपको लगता है ना कि ये जो लेटर है ना भाई, ये बस मेरा लेटर प्रिया ही खोलना चाहिए, ये लेटर कोई और नहीं खोल सकता, ठीक है, तो एक स्पेशल लाइन लिख के देते हो आप लेटर के ऊपर, टू बी ओपन्ड और हैंडल्ड, ओके, बट टेकन केयर बाय ओनली प्रिया, समझ में आ रहा है, ये वाला, ये होता है अटेंशन लाइन, ठीक है। तो बिजनेस लेटर में भी अगर आपको लगता है कि उस, आप तो एक कंपनी को भेज रहे हो लेटर, अभी कौन इस लेटर को हैंडल करेगा, आपको कोई गारंटी है नहीं ना, तो आप उसमें लिख देते हो कि उसका कंपनी का CEO या फिर कंपनी का मैनेजर, कुछ भी, ठीक है, वो हैंडल करेगा ये लेटर, या फिर वो देखेगा ये लेटर, वो उसके लिए मैंने लिखा ये लेटर, ये अटेंशन लाइन आप लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, क्लियर है भाई। तो ये होता है केस, तो इसलिए क्या होता है कि बिजनेस लेटर में क्या होता है, ऊपर में लिखा होता है कि हाँ, टू बी हैंडल्ड विथ By whom? By this person, or to be seen by this person, to be read by this person, something like that. Okay, attention line ये होता है। Salutation क्या होता है, dear, madam, miss, समझ में आ रहा है, mister, okay, all this, salutation ये वाला होता है। Subject heading, कभी कभार subject heading, हाँ subject heading आपको पता ही होगा, कभी कभार principal को नहीं लिखते थे आप application या फिर कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग subject heading लिखते थे ना, किस कारण आप भेज रहे हो ये letter, सब्जेक्ट हेडिंग क्या होता है कि किस कारण आप लिख रहे हो ये लेटर, ओके, क्या आप लेटर लिख रहे हो किसके, किस चीज़ के वजह से, समझ में आ रहा है। तो वो होता है आपका सब्जेक्ट हेडिंग, छोटा सा हेडिंग होता है, 2-3-4 वर्ड का, ओके, या फिर 5-6 वर्ड का, कुछ भी, मतलब लेंथ कुछ भी हो जाए, मतलब एक लाइन से ज़्यादा नहीं होगा, ये होता है हेडिंग एक्चुअली, ओके, सब्जेक्ट हेडिंग, क्या आप लिख रहे हो यहाँ पे, क्या आप लिखने वाले हो, उसका छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन इधर पे लिख दो, समझ में आ रहा है। उसके बाद मेन बॉडी आता है, मेन बॉडी होता है ये लेटर का, ठीक है, यहाँ पे पूरा आप लिखते हो आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से लिखते हो आप लेटर। उसके बाद मेन हेडिंग में एक चीज़ आता है, वो है कंक्लूजन, तो लास्ट लाइन जो लिखते हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी इफ यू वुड लाइक टू डिस्कस द रिपोर्ट, ये होता है कंक्लूजन, समझ में आ रहा है ना, ये कंक्लूजन लाइन होता है, ये भी आप मेन बॉडी में आ जाता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री क्लोज, कंप्लीमेंट्री क्लोज होता है जैसे कि सिंसियरली, ओके, योर ओबीडियंटली, लिखते थे ना लेटर, याद करो थोड़ा, हाँ वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ओके, ये वाला सीन्स, ओके। उसके बाद सिग्नेटरी होता है, सिग्नेटरी मतलब ये आपका सिग्नेचर। उसके बाद इनक्लोजर कॉपीड सर्कुलेटेड, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शनल है, ये वाला भी ऑप्शनल है, इनमें से 1, 2, 3, 4, 5 ऑप्शनल है। कैसे, जैसे कि 12 नंबर में क्या है, इनक्लोजर कॉपीड एंड सर्कुलेटेड, मतलब कितने बंदों को आपने ये लेटर सर्कुलेट किया है, समझ में आ रहा है, तो आप उस बंदों का जो है ना नाम जो है ना लिख लोगे नीचे पे लेटर पे कि हाँ टू बी सर्कुलेटेड टू दिस 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 दिस। कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो या फिर कुछ भी चला रहे हो ना, आपको पता होगा कि यार ये होता है कि आपने किस किस को भेजा है ये लेटर, ओके, टू दी सेक्रेटरी, टू द प्रेसिडेंट और टू हुम, ठीक है, किन किन को भेजा है, टू द जॉइंट सेक्रेटरी, ऑल दिस, राइट। तो ये कॉपीज किस किस को सर्कुलेट हुआ है उसका भी आपको दिखना होता है, ठीक है। उसके बाद एनेक्शर, एनेक्शर क्या मतलब होता है कि लेटर के साथ कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहते हो कि लेटर के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जाए, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जाए तो आप वो एनेक्स कर सकते हो, समझ में आ रहा है।
इस लेटर के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आपको चिपका के भेजना है ना तो आप वो कर सकते हो, समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं हम लोग एनेक्स्चर। ओके, क्लियर है भाई? पूरा क्लियर है भाई। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखें, अब इधर आ जाओ, लेटर हेड थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग लेटर हेड, इसमें भी थोड़ा सब पॉइंट्स है इसलिए। तो लेटर हेड में अपने को क्या पता चला कि यार लेटर हेड ये है कि, देखो एक बार पढ़ लेते इधर से, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर हेड अलॉन्ग विद द अदर प्रिंटेड मटेरियल्स लाइक बिजनेस कार्ड्स एंड ब्रोचर्स आर ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या है बेटा? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बिजनेस। ओके, अ लेटर हेड इज द प्रिंटेड स्टेशनरी विच कैरीज द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक कंपनी का एक ही लेटर हेड होता है, समझे भाई? एक कंपनी का एक ही लेटर हेड होता है, ये है आपका लेटर, लेटर मतलब जिसमें आप लिखोगे। तो ये जो लेटर हेड होता है ना, इधर से लेके इधर तक, यहाँ पे आपका पूरा स्टेशनरी रहता है, ये चेंज नहीं होता कभी भी। तो इसका जो है ना, आप 10,000 कॉपी निकाल के रख दो, आपको कुछ भी लेटर लिखना है तो इसमें ही प्रिंट करके आप भेज सकते हो, समझ में आ रहा है? ये बताया गया है यहाँ पे, प्रिंटेड स्टेशनरी, समझ में आ रहा है? उसके बाद देखो, दी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज रिटन, कि लेटर हेड में जो है ना, इसमें कंपनी का सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लेटर हेड में लिखा होता है। मैंने बताया था आपको, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी कहाँ बिलोंग करता है, कंपनी का नाम, लोगो, ये सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ईमेल आईडीज, उसके बाद फैक्स नंबर, ऑल दिस, राइट? ये होता है। उसके बाद देखो क्या लिखा है कि यार, सिंस द फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द कंपनी इज यूजली मेड थ्रू इट्स लेटर हेड, सबसे पहला कॉन्टैक्ट जो होता है किसी दूसरे कंपनी के साथ वो तो आपके लेटर हेड से ही होता है, क्योंकि आप लेटर भेजते हो। कंपनी स्पेंड्स कॉन्सिडरेबल टाइम, बहुत टाइम लगाता है, एफर्ट, मनी ऑन गेटिंग इट्स डिज़ाइन। ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है, पैसा खर्च करता है कि लेटर हेड को डिज़ाइन कर पाए हम बढ़िया तरीके से। ठीक है, और लेटर हेड जनरली कैरीज अ कंपनी लोगो, टैग लाइन, the name and address of the registered office, corporate office of the company, corporate identity number and its contact numbers and website, emails, address of the company, ये सारे वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं। एक होता है देखो, कंपनी का लोगो होना चाहिए, टैग लाइन होना चाहिए, उसके बाद नेम, एड्रेस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, ये होना चाहिए, उसके बाद कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होना चाहिए, CNC, इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर के बारे में। ठीक है, अभी मुझको फाइनली मौका मिला है कि कंपनी लॉ को लेके मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ इस बिज़नेस इसमें भी, बिज़नेस कम्युनिकेशन में भी। कॉन्टैक्ट नंबर सबको पता है, ईमेल भी सबको पता है, ये सब होना चाहिए। इसमें अगर कुछ नहीं पता है तो आपको सिन नहीं पता है, राइट? सिन नहीं पता कि सिन क्या होता है सर? सिन मतलब कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सुनो, ये जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर है ना, इससे आप किसी भी कंपनी का जन्म कुंडली जो है वो निकाल सकते हो, ट्रस्ट मी। ओके, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से ना किसी भी कंपनी का जन्म कुंडली जो है वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, पूरा हाथ में आ जाएगा आपके हाथ में कि यार कंपनी क्या है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेंगे, हम लोग देखने वाले कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। ठीक है, तो ये जो है ना 21 डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। कितना डिजिट होता है इसमें बताओ फटाफट? 21 डिजिट होता है सिन में। ओके, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर में 21 डिजिट्स रहता है, हमेशा याद रखियो। उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेंगे रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस का हम लोग एग्जांपल लेने वाले। सर रिलायंस कौन है सर? चलो, कितने बच्चे हैं मेरे को बताओ ये इस बिल्डिंग को पहचानते हैं? हाँ जी, बिल्डिंग का नाम पता है क्या है बताओ? सर इस बिल्डिंग का जो है ना मालिक जो है ना सर, वो तो सर अंबानी है शायद, मेरे को लग रहा है। सर ये कहाँ पर है बिल्डिंग सर? बेटा इंडिया में। ठीक है, इंडिया में ही है, बॉम्बे, मुंबई, कुछ भी कह लो उसमें। तो सर ख़ास बात क्या है बिल्डिंग का? बेटा ये जो है ना अपने में एक दुनिया है। दिस इज़ दी वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, प्राइवेट होम। ओके, दिस इज वर्ल्ड में एकमात्र सबसे एक्सपेंसिव प्राइवेट होम किसका है? अपने अंबानी भाई साहब का, मुकेश अंबानी भाई साहब का। समझ में आ रहा? सर क्यों सर इसमें इतना खास क्या है सर? क्योंकि ना इसमें जो है भाई, इसमें पूरा एक दुनिया है, आपको इसमें से निकलना नहीं पड़ेगा, इसमें सब कुछ है यहाँ पे। मतलब जैसे कि हम लोग, अगर हम अपने को क्या चाहिए, अगर अपने को चाहिए कि हम लोग वहाँ पर जाए, जैसे कि स्नो एंजॉय करें, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे? हम मनाली जाएंगे, ठीक है, फिर शिलोंग जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, कितने सारे जगह जाने के लिए।
तो वहाँ पर जाएंगे हम लोग स्नो एंजॉय करने के लिए। बेटा यहाँ पे पूरा एक स्नो का क्या कहते हैं इसको एरिया, कम्प्लीटली एक बड़ा सेक्शन है जहाँ पे मतलब सिर्फ स्नो गिरता रहता है, सो दैट पीपल इन समर डेज दे कैन गो एंड एंजॉय देयर, इसमें इस बिल्डिंग में। हाँ भाई इसी में 3 हेलीपैड्स है ऊपर, ठीक है। गाड़ी जो है ना, कार पार्किंग एरिया, कार पार्किंग का तो क्या बताऊँ मैं, इसका मतलब बहुत बड़ा एरिया है, समझ में आ रहा है, मतलब 100 के ऊपर कार्स जो है अट जाएंगे उसके मतलब जगह पे, इतना बड़ा एरिया। तो भाई ये सब क्यों बता रहे हो सर, बस मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपने को भी एक दिन ये जो है ना ये बिल्डिंग खड़ा करना है, ऐसा ही कुछ लगभग खड़ा करना है, ठीक है, आप लोगों को खड़ा करना है भाई, ठीक है। और अपन भी, हम लोग भी, मतलब मैं भी कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ कर पाऊँ ज़िंदगी में। तो ये है भाई एक चीज़, एक नंबर बात, समझ में आ रहा है, मतलब ये पूरा एक दुनिया है, मैं इसको अगर एक्सप्लेन करने जाऊँ तो मतलब पूरा आधा घंटा निकल जाएगा, तो मेरे को नहीं करना एक्सप्लेनेशन, मेरे को बस आपको दिखा है कि आपने बोला रिलायंस नहीं पता ना आपको, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बिल्डिंग का नाम है एंटीला, ठीक है, बिल्डिंग का नाम क्या है, हाँ जी, घर का नाम क्या बताओ, एंटीला, ठीक है। अगर आपको ये बिल्डिंग नहीं पता है तो आपको ये लोगो तो पता होगा, रिलायंस, चल मान लेते कि आपको लोगो भी, इस बंदे को देखे होंगे ना कहीं पर, देखे होंगे बंदे को, हाँ मुकेश अंबानी, हाँ जी बेटा, इसी का कंपनी है रिलायंस और इसी का घर है ये, समझ में आ रहा है, वर्ल्ड्स टॉप 1, देखिए टॉप 2nd भी नहीं है, टॉप 1 मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, ओके। अभी देखो इधर पे हम लोग कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर एक्सप्लेन करने वाले थे, राइट। तो ये 21 डिजिट्स का अल्फा न्यूमरिक नंबर होता है, सबको पता है सर, सबको पता है सर, आपने बताया था। अभी देखो हमने एग्जांपल लिया रिलायंस का, ये है रिलायंस का सिन, ठीक है, ये है रिलायंस का सिन, सिन नंबर, कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सर इतना बड़ा होता है नंबर, हाँ सर, इसमें स्पेशलिटी क्या है सर, आप जो ये लेकर बैठ गए टॉपिक, स्पेशलिटी क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखो ना एक बार, ये नंबर है, ठीक है, इससे अपन को कंपनी का पूरा जन्म कुंडली पता चल जाएगा, कैसे बताता हूँ मैं आपको। ये एल डिनोट क्या करता है पता है, पहला एल लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी, रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, खरीदा बेची होता है इसका शेयर्स, कहाँ पे सर, स्टॉक मार्केट पे, समझ में आ रहा है। उसके बाद 17110, ये क्या है, ये इंडस्ट्री कोड है, देखो अच्छे से 17110 इंडस्ट्री कोड, समझे। उसके बाद देखो MH मतलब बताओ, महाराष्ट्र, राइट, स्टेट, स्टेट देख रहे हो, स्टेट है। उसके बाद 1973 क्या है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब इसका जन्म हुआ था कंपनी का, समझे। उसके बाद PLC लिखा है, देखो मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, समझे। उसके बाद क्या है, हाँ 019786, ये क्या है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर। अभी मैंने पूरा तोड़ मरोड़ के आपको बता दिया कि सिन नंबर क्या होता है और सिन नंबर क्यों दरकार होता है। सिन नंबर से पता चलता है कंपनी किस औकात में है, लिस्टेड कंपनी है क्या, कौन से स्टेट में है भाई, कौन सा इंडस्ट्री कोड है उसका सर, हाँ जी पब्लिक है क्या सर, हाँ जी पब्लिक है, और उसका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए। अच्छा ये सर कब इनकॉर्पोरेट हुआ था ये, तो कोई भी बंदा अगर आपको पूछे कि पता है यार ये कंपनी ये लिस्टेड है कि नहीं, तो आप उस कंपनी का सिन नंबर निकाल के उसको दे देना, ठीक है, दे के बोलना बेटा यहाँ पे लिखा है आप ढूंढ लीजिए, तो बंदा सोचता रहेगा कि क्या नंबर, इतना बड़ा नंबर दे दिया उसने, उसने बोलेगा तुमको यहाँ पे लिस्टेड, ये लिस्टेड है कि नहीं पता चल जाएगा, ये पब्लिक है कि नहीं पता चल जाएगा, ये कौन सी स्टेट में है ये भी पता चल जाएगा, कब ये इसका जन्म हुआ ये भी पता चल जाएगा, और इसका इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री में बिलोंग करता है ये भी पता चल जाएगा, इंडस्ट्री कोड, उसके बाद उसका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भी पता चल जाएगा। भाई पूरा मैंने डिटेल दे दिया तेरे को, फिर भी देखो नहीं पता कि कंपनी कहाँ से है, क्या करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन से इंडस्ट्री में है, लिस्टेड है कि नहीं है, समझे। तो ये होता है ऊपर वाला चीज़, समझ में आ रहा है, कहीं पे नहीं मिलेगा ये चीज़ आपको देखने के लिए। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जितना नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ कि ये जो है, ठीक है, इसको डिवाइड करके कंपनी का सिन जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, मैं इसको डिवाइड करके आपको बता दे सकता हूँ कि ये जो है ये कहाँ का है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, पब्लिक है, लिमिटेड है, पूरा जन्म कुंडली खोल के आपके हाथ में दे दिया। तो ये सीखना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ऑलराउंडर बनो, बस नौसिखिया बन के मत रह जाओ कि बस बुक पढ़ना है, रटना है, ये सर नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज लो सो दैट लाइफ में काम आए, समझ में आ रहा है ना भाई। तो ये हो गया चीज़।
ठीक है, सिन नंबर सब एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ पे कुछ बाकी नहीं है। अभी हम लोग जाएंगे सीधा, मुकेश भाई को टाटा कर देते हैं, सीधा हम लोग जाएंगे अभी टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर, कितने प्रकार के बिजनेस लेटर होते हैं, हो सकते हैं। एक होता है फॉर्मल बिजनेस लेटर, एक होता है इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। ठीक है, एक होता है फॉर्मल बिजनेस लेटर, एक होता है इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। सर डिफरेंस क्या है? सर देखो, पहले मैं बताता हूँ आपको कि फॉर्मल बिजनेस लेटर क्या होता है। देखो, फॉर्मल बिजनेस लेटर कब हम भेजते हैं किसी बंदे को, जब मेरे को ना उस बिजनेस लेटर में ना कुछ लीगल मैटर सॉल्व करना होता है, ओके, या फिर कुछ भी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बातचीत, ठीक है, दोनों साइड में मुझको करना है ऑफिशियली, ओके, तब बिजनेस से रिलेटेड, समझ में आ रहा है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी, मेरे को कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ओके, कोई भी मतलब डील, मैंने बिजनेस डील किया है उस डील से रिलेटेड, तब मेरे को ये फॉर्मल बिजनेस लेटर भेजना होता है। और ये फॉर्मल बिजनेस लेटर जो है ना, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, दिस इंक्लूड्स लेटर रिगार्डिंग बिजनेस डील करने के टाइम पे, ऑर्डर, किसी को भी ऑर्डर पास करना है, क्लेम करना है, डिस्प्यूट सेटलमेंट करना है, डिस्प्यूट मतलब कोई किसी भी प्रकार का झगड़ा लगा है उसको सेटल करना है अपने को, ठीक है, डिस्प्यूट सेटल करना है, उसके बाद अग्रीमेंट, ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट है, इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट है, ओके, आपको किसी भी प्रकार के इन्फॉर्मेशन चाहिए तब फॉर्मल बिजनेस लेटर लिखना होता है, सेल रिपोर्ट, सेल्स का रिपोर्ट क्या है, उसके बाद अदर ऑफिशियल मैटर्स, ऑफिशियल रिलेटेड। सर इनफॉर्मल बिजनेस लेटर, देखो इनफॉर्मल बिजनेस लेटर देख के आप ये मत समझ लीजिए कि सर फॉर्मल में तो हम लोग लिखेंगे डियर मैडम मिस ऐसा, और इनफॉर्मल लेटर में लिखे क्या भाई, क्या हाल चाल है अपने लौंडे का, ऐसा कुछ नहीं लिखने वाले हम लोग, समझ में आ रहा है ना। इनफॉर्मल बिजनेस लेटर में यहाँ पर भी हम लोग प्रॉपर लैंग्वेज में लिखने वाले, लेकिन ये जो है होता है ना, ये यूज़ कहाँ पे होता है मैं आपको दिखा दूँ। ये होता है फॉर एग्जांपल मेमोरेंडम्स, अप्रेसियल्स, इंटरव्यू, थैंक्स, मतलब किसी को थैंक बोल रहे हो आप, ठीक है, रेफरेंस लेटर के हिसाब से, कवर लेटर के हिसाब से, कस्टमर कंप्लेन लेटर के हिसाब से, ईमेल, ठीक है, एंड अदर विच आर लेस इंपॉर्टेंट और रेगुलर, विच आर लेस इंपॉर्टेंट और रेगुलर वर्क्स, भाई रेगुलर काम काज के लिए, समझ में आ रहा है ना, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो है ना, देखो इनफॉर्मल बिजनेस लेटर यूज्ड फॉर कैजुअल कॉरेस्पॉन्डेंस बट डज नॉट नेसेसरली हैज़ टू हैव अ कैजुअल टोन ऑफ लैंग्वेज, ये नेसेसरी नहीं है कि आप मतलब कैजुअली बात करो, क्या हाल चाल है भाई तेरा, ऐसा नहीं पूछ सकते ना, थोड़ा एक स्टैंडर्ड एक मेंटेन करके चलना होता है, ये होता है इनफॉर्मल बिजनेस लेटर। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है। याद क्या करना है सर, ये बता दीजिए, याद ये करना है भाई फॉर्मल कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, बिजनेस डील्स, ऑर्डर क्लेम, और यहाँ पे इंटरव्यू, थैंक्स रिव्यू, कवर लेटर, ये सारी चीज समझ में आ रहा है। फॉर्मल बिजनेस लेटर जो है वो लीगल और ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर क्लियर है, इतना ही है भाई, इसमें ज़्यादा नहीं घुसना है। अभी आ जाओ इधर पे, लेआउट ऑफ लेटर, दो प्रकार का लेटर का लेआउट होता है। ठीक है, लेआउट मतलब सर पैटर्न, कैसे हम लिखते हैं, समझ में आ रहा है, डेट कहाँ पे होगा, इधर लेफ्ट होगा या राइट होगा, ये वाला चीज़ लेआउट, किसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, हम लोग कैसे लिखेंगे, एक फॉर्मेट इसका, एक लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, दो प्रकार के फॉर्मेट्स आते हैं। ठीक है, जिसको हम लेआउट कहते हैं, एक होता है ब्लॉक्ड फॉर्मेट जो कि ब्लॉक लेआउट है, एक होता है सेमी ब्लॉक्ड, एक होता है ब्लॉक्ड, एक होता है सेमी ब्लॉक्ड। अभी हम लोग देखने वाले कि ये ब्लॉक्ड और सेमी ब्लॉक्ड में डिफरेंस क्या, भाई ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है भाई, मेरे ज़्यादा कुछ डिफरेंस है ही नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, इन द ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ लेटर लेआउट द डेट ऑफ द लेटर, देखो द डेट ऑफ द लेटर, ऑल रेफरेंस सब्जेक्ट सैल्यूटेशन एंड द पैराग्राफ इन द बॉडी ऑफ द लेटर कंक्लूजन एंड सिग्नेचर ऑल कमेंट्स एट द लेफ्ट मार्जिन, सारा कुछ जो है ब्लॉक्ड फॉर्मेट में लेफ्ट मार्जिन के तरफ होता है, लेफ्ट मार्जिन मैंने ये वाला मार्जिन, ठीक है, लेफ्ट साइड में होता है सब कुछ, देखो देखो सब लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, हाँ, अनदर पॉइंट टू नोट इज दैट इन दिस फॉर्मेट नो कॉमास आर यूज आफ्टर इनसाइड एड्रेस सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। देखो इसमें जो है ना कॉमा यूज़ नहीं करते, कैसे सर, कहाँ पे यूज़ नहीं किया सर, एक बार दिखा दीजिए। देखो इनसाइडर एड्रेस कहाँ पे यूज़ नहीं करते, इनसाइड एड्रेस पे यूज़ नहीं करते, आफ्टर इनसाइड एड्रेस, देखो ये हो गया इनसाइड एड्रेस आपका, ठीक है, ये होगा इनसाइड एड्रेस आपका, ये इनसाइड एड्रेस है, मैंने बताया था ना इनसाइड एड्रेस होता है, हाँ बताया था ना, ये इनसाइड एड्रेस है, यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कॉमा है नहीं है सर। सैल्यूटेशन में
सैल्यूटेशन में भी नहीं होता लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है भाई, यहाँ पे सर के बाद ना यहाँ पे कॉमा लगाया है सर, ठीक है, सैल्यूटेशन में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बता रहा है कि सैल्यूटेशन में नहीं होना चाहिए। देखो अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट इन दिस फॉर्मेट नो कॉमास आर यूज्ड आफ्टर इनसाइड एड्रेस, एड्रेस के बाद नहीं होना चाहिए। सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो है योर फेथफुली, इसके बाद तो कॉमा नहीं लगाया, ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे जो है सैल्यूटेशन में वो लगाया है कॉमा, तो यहाँ पे कॉमा नहीं होगा एक्चुअली में, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अच्छा जिन बंधु को रेफरेंस नंबर का मतलब दरकार था ना, रेफरेंस नंबर, तो रेफरेंस नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला होता है रेफरेंस नंबर, देखो ऑर्डर नंबर करके रेफरेंस, रेफरेंस ऑर्डर नंबर, ये समझ में आ रहा है, इसके कारण आपने लेटर लिखना है, ठीक है, इसके कारण आपने लेटर लिखना है, ठीक है, ये हो जाता है आपका रेफरेंस नंबर, ये हो गया आपका ब्लॉक्ड फॉर्मेट, समझ में आ चुका है ब्लॉक फॉर्मेट। अभी देखो सेमी ब्लॉक्ड में क्या है, सेमी ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड में क्या है, देखो दिस स्टाइल इज ऑफन टर्म्ड एज मॉडिफाइड ब्लॉक्ड स्टाइल लेटर, इसको कहते हैं हम लोग मॉडिफाइड ब्लॉक्ड स्टाइल लेटर, तो किसको कहते हैं, सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट को, याद रख पाओगे, हाँ सर आराम से। इन द सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट ऑफ द लेआउट ऑफ लेटर द डेट ऑफ द लेटर कंक्लूजन एंड सिग्नेचर आर अलाइन टू द राइट साइड, डेट ऑफ द लेटर, डेट ऑफ द लेटर डेट राइट साइड में देख रहे हो, ये देखो हाँ जी, कंप्लीमेंट्री क्लोज जो है ना वो भी है राइट साइड में, सिग्नेचर जो है वो भी राइट साइड में, सब राइट साइड में, समझ में आ रहा है, बताओ फटाफट। डेट ऑफ द लेटर कंक्लूजन एंड सिग्नेचर आर अलाइन टू द राइट ऑफ द लेटर, द सब्जेक्ट और रेफरेंस इज सेंट्रली अलाइंड, ठीक है, रेफरेंस नंबर जो होता है वो एकदम मिडिल में होता है, सेंट्रली अलाइंड मतलब, सेंट्रली अलाइंड मतलब मिडिल में, ओके। द पैराग्राफ ऑफ द बॉडी ऑफ द लेटर ऑल कमेंस विद ए स्लाइट इंडेंट एंड कॉमास आर यूज इन द इनसाइडर एड्रेस, देखो कॉमास यूज होता है इनसाइडर एड्रेस में, देखो रोड के बाद कॉमा लगाया, इसके बाद भी कॉमा लगाया, समझ में आ रहा है, हाँ जी बताओ, ये देखो 256 में भी कॉमा लगाया, तो कॉमा कहाँ पे यूज़ होता है, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में, समझ में आ रहा है। सेंट्रली अलाइन द पैराग्राफ्स ऑफ द बॉडी लेटर कमेंस द स्लाइट इंडेंट एंड कॉमास आर यूज्ड इन द इनसाइड, हाउएवर ए कॉमन प्रैक्टिस नाउ इज टू ओमिट द यूज ऑफ कॉमास इन इनसाइड एड्रेस सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, ठीक है, अभी जो प्रैक्टिस में चल रहा है ना ये बता रहा है कि कॉमास जो है ना हम लोग लेटर लिखने के टाइम पे वो हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है, सैल्यूटेशन में भी नहीं देते हैं, देखो सैल्यूटेशन में भी नहीं देते हैं, यहाँ पर भी नहीं देना चाहिए, इधर में भी नहीं देना चाहिए, तो एग्जांपल के कारण आपको इधर पे दिया हुआ है, समझ में आ रहा है ना, कहीं पर भी कॉमास यूज़ नहीं करते हम लोग, ओके, ये डिफरेंस है सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट में। तो नॉर्मली देखो ये तो आपका एडवाइस है ना, हाउएवर ए कॉमा प्रैक्टिस नाउ इज टू ओमिट द यूज़ ऑफ कॉमा, राइट, ए कॉमन प्रैक्टिस इज टू ओमिट द यूज़ ऑफ कॉमास, बोल रहे कि यार आजकल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कॉमा जो है वो हम लोग हटा दे, हम लोग कॉमा यूज़ ना करें, कहाँ पे सर, लेटर्स लिखने में। लेकिन अगर किसी आपको MCQ में पूछा कि सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट में बेटा कॉमा यूज़ होता है कि नहीं होता है बताओ, तो आपको क्या बोलना है बेटा, हाँ जी सर कॉमा यूज़ होता है सेमी ब्लॉक्ड फॉर्मेट में, हाँ सर, सर रेफरेंस नंबर जो एकदम मिडिल में रहता है सर, सर डेट तो एकदम राइट में होता है सर, और सर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है और सिग्नेचर जो है सब जो है ना सर राइट साइड में होता है सर, डिफरेंस पता लग रहा है, देखो अच्छे से, हाँ इधर में थोड़ा लिखा है ज्ञान, एक बार देख लेते हैं, इधर ऑफ द टू फॉर्मेट कैन बी यूज वाइल ड्राफ्टिंग लेटर, हाउएवर केयर मस्ट बी टेकन टू फॉलो एनी वन फॉर्मेट कंप्लीटली थ्रू आउट द लेटर, द ओवरऑल स्टाइल ऑफ द लेटर डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ द लेटर एंड रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज कंसर्नड, अ बिजनेस लेटर इज समथिंग यूजफुल बिकॉज इट प्रोड्यूस ए परमानेंट रिटन रिकॉर्ड एंड मे बी टेकन मोर सीरियसली बाय द रिसिपिएंट देन द अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, नोट As a result of globalization of commercial activities in recent years, there has been an increased use of American spellings in day-to-day correspondence in requests in international trade. The word favor is spelled as favor, labor is labor, center as center, etc. मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको, दिक्कत नहीं है, इधर देखो पहले, इवन द रूल्स ऑफ ग्रामर आर गेटिंग रिलैक्स्ड, बोथ द कन्वेंशनल एज वेल एज सिंप्लीफाइड अमेरिकन स्पेलिंग्स आर इन वोई, बट केयर मस्ट बी टेकन टू बी कंसिस्टेंट विथ विच एवर स्पेलिंग यू आर फॉलोइंग। कभी कभार क्या होता है ना, कितने बच्चे ये नोटिस किया हो, लेकिन मैंने नोटिस किया ये चीज़, मैंने सही में नोटिस किया ये चीज़, अगर आप ना कंप्यूटर पे कहीं पर भी अगर आप लिख रहे हो, अगर आप लिख रहे हो लेबर, लेबर का स्पेलिंग क्या होता है, LABOUR,
तो बेटा यहाँ पे लाइन, रेड लाइन आ जाता है, समझ में आ रहा है, स्पेलिंग इरोड दिखाता है, स्पेलिंग इरोड दिखाता है। लेकिन लेबर का स्पेलिंग तो यही है, लेबर का स्पेलिंग तो यही है भाई, ओरिजिनल स्पेलिंग इरोड दिखाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि इरोड के बाद अगर मैं रेक्टिफाई करूँ ना, तो यहाँ पे क्या करता है पता है, यहाँ पे जो है एक लेटर जो है ना हटा देते हैं, वो ये वाला वर्ड है यू हटा देते हैं, यू हटा दे, लेबर मतलब क्या, समझो एक चीज। और देखो यहाँ पे और सारे एग्जांपल्स दिया है, लेबर एज लेबर, सेंटर एज सेंटर, ठीक है स्पेल्ड आउट। देखो सिंपल बात है, अमेरिका जो है ना वो हावी हो रहा है पूरा वर्ल्ड के ऊपर, समझे। इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड का इंग्लिश अलग होता है और अमेरिकन इंग्लिश अलग होता है, समझ लो ये चीज, समझे। और हिंदुस्तानी इंग्लिश तो क्या बताया, वो तो हिंग्लिश होता है कि नहीं। लेकिन जो हिंग्लिश है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश, ये ना रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, हिंग्लिश रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश जो है ना वो रिकॉग्नाइज्ड है भाई, मेरे गूगल भी रिकॉग्नाइज करता है अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश, तो अमेरिकन इंग्लिश रिकॉग्नाइज करता है। तो क्या हो रहा है, बात ये बताने का कोशिश कर रहा है कि देखो जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मतलब मिलजुल रहे, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो इंग्लिश वर्ड्स जो है ना, इंग्लिश वर्ड्स जो है वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है अपने कम्युनिकेशन के ऊपर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर। हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड्स जो है, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो यूज़ करने लग चुके हैं। बहुत सारे वर्ड्स है जो कि चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर लेटर लिखते हो ना ब्रिटेन में, ओके, आप लिखते हो कोई भी पर्टिकुलर लेटर, तो वो लेटर जो इंटरप्रेट होगा ना वो अलग लेवल का इंटरप्रिटेशन होगा, और सेम लेटर अगर आपने अमेरिका भेजा तो उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग होगा, क्योंकि उसमें जो है ना वर्ड्स जो है ना थोड़ा चेंजेस है उसमें, समझ में आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन का तो पूरा एकदम ऊपर नीचे है प्रोनाउंसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। जैसे हम लोग नहीं कहते ये वाला चीज, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं ना सोचते कि सर मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है अपने बिरादरी में, तो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। देखो जैसे हम लोग कहते हैं, ये वर्ड कैसे स्पेल करते हो, SCHEDULE, ये कैसे स्पेल करते हो बताओ। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये जो है ना शेड्यूल है सर, शेड्यूल है सर, करेक्ट करेक्ट, आप करेक्ट हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये शेड्यूल नहीं है सर, ये स्केड्यूल है। बताएंगे भाई तुम भी करेक्ट हो, तुम भी करेक्ट हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है सर। सर लेकिन आप क्या प्रोनाउंस करते हो, मैं दोनों करता हूँ, क्योंकि मेरे को दोनों बच्चा जो है, दोनों बच्चे खुश चाहिए, मैं स्केड्यूल भी कहता हूँ, मैं शेड्यूल भी कहता हूँ। तो सर इसका दो प्रोनाउंसिएशन कैसे, एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, एक है ब्रिटेन प्रोनाउंसिएशन। अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन क्या है, स्केड्यूल, ये कहते हैं हम लोग अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, स्केड्यूल 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 स्केड्यूल, ओके। और इसका जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो होता है शेड्यूल, शेड्यूल, ठीक है। तो एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब मेरे को पता चला ये सारे वर्ड, जब मैं मतलब बहुत टाइम पहले मेरे को बहुत इंटरेस्ट था ये सब चीज़ देखने के लिए इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस में, कि कैसे हो सकता है एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन। मैं बार बार सीखता रहता हूँ कि हाँ जी पर्टिकुलर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, इसका मीनिंग क्या, नया वर्ड्स, न्यू वर्ड्स डे टू डे, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू लर्न ऑल दिस वर्ड्स। तो तब मेरे को पता चला कि हाँ जी शेड्यूल जो है वो अलग है, मतलब अलग प्रोनाउंसिएशन है, और स्केड्यूल जो है वो अलग प्रोनाउंसिएशन है, बट बोथ आर द सेम वर्ड्स। तो मेरे को पता चला इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, एक हुआ है इंग्लिश ब्रिटेन और एक हुआ है अमेरिकन इंग्लिश, समझ में आ रहा है। ब्रिटिश जो है वो हमको देकर गए हैं, है कि नहीं, वो हमको देकर गए हैं कौन सा वर्ड, शेड्यूल। तो मेरे को नहीं बोलना ये वर्ड, मेरे को स्केड्यूल बोलना है, तो तब से मेरे को स्केड्यूल 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 बोलना लग गया। लेकिन छोटे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग शेड्यूल, तो कैसे अचानक स्केड्यूल, मतलब कभी कभार कॉन्वर्सेशन में मेरे को शेड्यूल भी निकल जाता है, तो अगर मैं अचानक रिकॉल करता हूँ तो मैं फिर रेक्टिफाई करता हूँ अपने आप को और बोलता हूँ कि स्केड्यूल, यू नो इट्स स्केड्यूल, माय स्केड्यूल इज कम्प्लीटली बिजी मैन, आई एम अ बिजी गाय, यू नो, ऐसे करके मैं मतलब थोड़ा दिखाता हूँ दिखावट, ओके। उसके बाद ये दोनों टॉपिक क्लियर हो चुका है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसमें हम लोग बवाल मचा देंगे सर, आप टेंशन मत लो। उसके बाद इधर पे आ जाओ, एक बार ऊपर से देख लेंगे, बाकी पूरा हम लोग नेक्स्ट क्लास देखने वाले। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिजनेस लेटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिजनेस लेटर, एक गुड बिजनेस लेटर का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, कैरेक्टर ये होना चाहिए सर कि कंप्लीट होना चाहिए एक लेटर, क्लैरिटी होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होना चाहिए सर, एक्यूरेसी होना चाहिए सर, ब्रीविटी होना चाहिए सर, सिंसेरिटी होना चाहिए सर,
कर्टिसी होना चाहिए सर, स्टाइल होना चाहिए सर, ये सारे जो है कल हम लोग देखने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही भाई। अगर आपको लगा है ये वीडियो अच्छा तो गो एंड काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय।